क्या ही सीन है फिलहाल हम रोटेशन ट्राई कर सकते हैं इस पर भी हमारी डिस्कशन हुई थी जो कर भाई को भी हम अब वापस से एक अच्छी सी ट्राई देंगे बीजेम फॉर जो करवास सी कैसा चलता है सब कुछ प्लेइंग फॉर बी जी एम एस इट्स टू अर्ली टू डिसाइड अभी तो है हमारे पास पंद्रह दिन और आप जैसे बोल रहे हो ना कि प्लेइंग फोर मैं अभी बता दूं प्लेइंग फोर डिसाइड करने का भी एक क्राइटेरिया होता है व्हेन यू हैव हैव अ फाइव मैन रोस्टर हैज टू बी सम पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे करंट प्लेयर्स के फ्लो का अच्छे से एक चार्ट बनता है बिकॉज वी एनालिस्ट इन द टीम फिर उन नंबर्स और उन डेटा के बेसिस पर प्लेइंग फोर डिसाइड होती है जो टूर्नामेंट से दो से तीन दिन पहले आती है सो वी वर्क इन दैट प्रोफेशनल वे सो वेट करो अभी ये कोई टाइम ही नहीं है मैं अभी बोल दू और कल को नंबर्स कुछ और कहते हैं तो उसका कोई फायदा है नहीं है ना क्या फायदा वेट करो बता देंगे बता देंगे पावर का क्या सीन देखो ना मुझे अभी इस बारे में कुछ बात करनी है और ना ही ऐसा अभी कोई प्लान है और ना ही कोई इस बारे में ऐसी अभी तक बात छिड़ी भी है तो ये बेकार के रूमर्स है फिलहाल के लिए तो आप उस चीज़ का एक फालतू वो मत बनाओ अभी के लिए हम अपने टूर्नामेंट पे फोकस कर रहे हैं अभी अभी टूर्नामेंट ख़त्म हुआ है दो दिन का एक ब्रेक मिला इतने दिनों के बाद लगातार टूर्नामेंट हमने खेले हैं वो दो दिन का ब्रेक सब एंजॉय कर रहे हैं ट्रैवल के बाद

हमारे मैचेस थोड़े हुए आप हर बार वही बात मैं बोलूंगा फिर से मेहनत में कमी नहीं थी किसी भी साइड से हम लोग पूरे तरीके से तैयार थे चीजों के लिए कुछ चीजें अनफॉर्चुनेट भी रही है कुछ पर्सनल चोक्स भी हुई है उन चोक्स को हम अच्छे तरीके में पॉजिटिव तरीके से उस पर काम करके उसको इम्प्रूव करेंगे जो कि डुएबल है ऐसा वो ऐसी गलतियां नहीं थी कि उस पर हम काम करके उसको ठीक नहीं कर सकते एंड ठीक है यार लेट्स एक्सेप्ट मैं तो ये भी मानता हूँ कि ये लिखा था कहीं ना कहीं कहाँ लिखा था ये शायद स्काउट भाई के नाम जानी थी ट्रॉफी टीम एक्सपार्क जानी थी मैं खुश हूँ बहुत अच्छी तरीके से हमने अपना टूर्नामेंट एंड करा है सबसे अच्छे से मिले हैं स्काउट भाई के लिए बहुत खुशी है अपने निंजा जॉड के लिए बहुत खुशी है भाई है वो अपना इवन मैं बहुत खुश हूँ निंजा बॉय के लिए भी शैडो हम सब साथ में बीजीएमएस से एक टूर्नामेंट अटेंड कर चुके हैं शैडो उस टीम में आजल था निंजा बॉय हमारी टीम में एंट्री फाइगर था वहाँ पर वहाँ से दो प्लेयर्स इवन आई विद निंजा जॉर्ड प्लेयो एक साल टी में हम साथ थे सो काफ़ी सारे अपने अपने बंदे और साथ ही स्काउट भाई तो वो टूर्नामेंट उनके लिए उनका नाम जैसे टीम एक्सपार्क ने स्काउट भाई के लिए वो टूर्नामेंट जीतकर उनको दिया उनका वो सपना पूरा करा हमें भी अब एक रियलिटी चेक और एक बड़ा विजन मिला है जो मैं आप सभी सोल्जर्स टीम सोल के फैन के साथ शेयर भी करना चाहूंगा कि यार एक टूर्नामेंट तो अब हम भी मॉडल भाई के लिए जीतेंगे यस वो बी जीत चुके हैं बट उसमें वो एज प्लेयर रजिस्टर्ड थे एज ओनर अभी उनका एक बड़ा गोल रहेगा और उस विजन के लिए अब हम यहाँ से अपनी नई जर्नी स्टार्ट करेंगे